फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मे है प्लस थर्ड फॉर्म और माइट है प्लस थर्ड फॉर्म में क्या फर्क है, या इन दोनों का सही इस्तेमाल क्या है, आप कैसे समझे कि कब आपको मे है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है या कब आपको माइट है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि गुजरे हुए वक्त में किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी थी, यानी पास्ट में किसी काम की होने की संभावना थी, यानी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इन दोनों में ये फर्क है, अगर आप मे है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि पास्ट में किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी थी, पता नहीं वो काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आप माइट है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इस सेंटेंस का ये सेंस होगा कि पास्ट में किसी काम की होने की संभावना थी लेकिन वो काम नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, बट वो काम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको फर्क समझ में आया कि मे है का मतलब पास्ट में किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी थी, पता नहीं वो काम हुआ कि नहीं हुआ, यानी सर्टेन नहीं है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आप माइट है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इस सेंटेंस का सेंस होता है कि पास्ट में किसी काम की होने की संभावना थी लेकिन वो काम नहीं हुआ। आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, मे है प्लस थर्ड फॉर्म और माइट है प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग कई बार सकता और कई बार गा होता है। जैसे वह घर पहुंच गया होगा तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा ही मे हैव रीच्ड होम। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है यानी संभावना है, और वो घर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये बात मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने बोला मे हैव रीच्ड, यानी मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। वह उसको मार दिया होगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही मे हैव किल्ड हिम। यानी सेंटेंस में मैंने दिखाया पॉसिबिलिटी, संभावना, और पता नहीं उसने उसको मारा या नहीं मारा ये बात पता नहीं है, यानी ये काम हुआ कि नहीं हुआ ये क्लियर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यानी आप कहेंगे ही मे हैव किल्ड हिम। वह एग्जाम पास कर लिया होगा तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही मे हैव पास्ड द एग्जाम, यानी वह एग्जाम पास कर लिया होगा। इस सेंटेंस में भी पॉसिबिलिटी है और पता नहीं उसने पास किया कि नहीं किया, इस बात की कोई डिटेल नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म पर देख लें। वह उसको मार सकता था, ही माइट हैव किल्ड हिम, यानी वह उसको मार सकता था लेकिन वह काम नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, बट वह काम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको फर्क समझ में आया कि मे हैव का मतलब पास्ट में किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी थी, पता नहीं वो काम हुआ कि नहीं हुआ, यानी सर्टेन नहीं है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आप माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इस सेंटेंस का सेंस होता है कि पास्ट में किसी काम की होने की संभावना थी लेकिन वो काम नहीं हुआ।